तो जैसा कि किसान भाइयों, आप हमारा थंबनेल देख के जानकारी आपको मिल गई होगी कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसा कि 14201, 15023 और 13235 जो गन्ना वेराइटियाँ जो हमारी नई आई हैं, इनका जो इसकी जो बुआई है हमारे किसान भैया किस समय करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सही समय जो है इन वेराइटी को बोने का, हर वेराइटी के लिहाज से देखेंगे, बात करेंगे कब कब इनका जो है उत्पादन जो है हमें ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कब कब इनकी बुआई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ में बलजिंदर सिंह जी हैं, तो इनसे हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले 1401 के बारे में बताइए, 1401 जो गन्ना वेराइटी है इसका जो ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमारे जो किसान भाई हैं इसकी बुआई किस समय पर करें, या कौन सा समय रहेगा कि सही समय रहेगा इसकी बुआई के लिए? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमारी जो तीन वैरायटी हैं 14201, 15023 है और 13235 है। जैसे कि बात करें हमारी जो 14201 वैरायटी की है, ये थोड़ा सा इस वैरायटी की बिजाई थोड़ा सा हमें अक्टूबर टाइम पे की जानी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये अगर हम इस वैरायटी की बिजाई हम अक्टूबर टाइम से करें तो इसकी उपज बहुत अच्छी रहती है। हालांकि इसकी उपज उधर भी हम फरवरी टाइम बिजाई करें तो उपज में ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं आता, थोड़ा सा ये अक्टूबर की बिजाई से थोड़ा सा कम होता है। तो हमारी जो दूसरी गन्ना वैरायटी है 13235, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि इसकी बुआई जो है बुआई का सही समय क्या रहेगा? जैसा कि आपको बताया गया है, जैसे 14201 वैरायटी है उसकी थोड़ी सी एवरेज में फर्क आता है, लेकिन जो हमारी जैसे 13235 वैरायटी है हमारी बिल्कुल सेम जो 038 वैरायटी है, जी, ये बिल्कुल उसी प्रकार की वैरायटी है। जी, आप जैसे 038 की बिजाई आप अक्टूबर माह में भी करते थे, उधर फरवरी साइड में भी करते थे, आप जी, गेहूँ काट के भी बिजाई करते थे, जो हमारी जो 13235 वैरायटी है जी, इसको हम उसी टाइप से हर सीजन में, मतलब हर टाइम में बिजाई कर सकते हैं। जैसे अच्छा, थोड़ा सा उपज में फर्क पड़ता है लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे नहीं, वो तो ये स्वाभाविक है, अगर स्वाभाविक लेट बात पड़ है कि नहीं, लेट जो बुआई जिस करेंगे जितना तो टाइम उत्पादन कम में हमें मिलेगा बहुत उसको फर्क पड़ेगा, भी, लेकिन जी, इतना ज्यादा फर्क नहीं, 14201 की कंपेयर की में इसको ज्यादा कोई प्रभाव नहीं तो पड़ता नहीं है। पड़ता, मतलब आप इसका ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो ग्रोथ रेट अच्छा का है। अच्छा ग्रोथ रेट है इसका। जी जी तो इसके बाद जो हमारी जो अगली वेरायटी है 15023 है, तो उसका उत्पादन उत्पादन के हिसाब से इसकी जो सही समय क्या रहेगा बुआई के लिए, कब हमारे किसान जैसा भाई बुआई कि करें? 15023 है, ये 14201 और 13235 के थोड़ा सा अलग है, जैसे कि ये अपनी 6085 से क्रॉस वैरायटी है, जी जी तो थोड़ी सी इसमें लॉजिंग की समस्या थोड़ी ज़्यादा आती है। जी तो जैसे कि अब किसान भाइयों को कहा जाए कि मतलब कि इसकी आपकी ज़्यादातर आपको उधर फरवरी मार्च टाइम या गेहूँ काट के इसकी बिजाई ज़्यादा बहुत अच्छी रहती है, जी तो लॉजिंग समस्या फिर कम आती है क्योंकि गन्ना इतने ज़्यादा हार्ड नहीं ले पाता। लेकिन एवरेज बात करें तो 15023 की एवरेज, उसकी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जी इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कि उस पीरियड में फरवरी और मार्च के पीरियड में ज़्यादा बिजाई करनी चाहिए। तो मार्च में ज़्यादा आपने कहा करनी चाहिए, जी इसका जी क्या कारण है? एक तो लॉन्चिंग आपने कहा कि लॉजिंग थोड़ा की समस्या गिरने की ज़्यादा समस्या आती है, गिरने की दूसरा समस्या होती है, और दूसरी समस्या ये भी है कि अगर हम इसकी अक्टूबर समय में बिजाई करें तो गन्ने में जो नीचे की आप हिस्सा होता है आँख होती है आंखें, उसकी। वो अच्छा जनरेट होने लगती है, तो अच्छा जैसे कि वो बीज के लिए कुछ मतलब जो जनरेट हो जाएगा बीज में बहुत दिक्कत आएगी, बीज के जी लिए वो अच्छा गन्ना नहीं रह जाएगा, जी जी तो इसलिए हमें अपने फरवरी और मार्च टाइम में इसकी ज्यादातर बिजाई करनी। बाकी आप जब बात करें 14200 15000 13235 की, सॉरी 13235, ये वेरायटी हम अक्टूबर और फरवरी मार्च की बिजाई कर सकते हैं। जी 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 तो मतलब आप इस प्रकार से 1401 अगर हमारे किसान भाई अगर बुआई करना चाहते हैं, ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, जैसे हमारे बजेंद्र सिंह ने हमें बताया है कि इसका जो बुआई अगर आप है सितंबर या अक्टूबर में कर सकते हैं, तो वही 1335 की अगर बात करें तो उसका फरवरी या मार्च में आप उसकी बुआई कर सकते हैं। इसी मार्च प्रकार से 15023 है, उसका आप गेहूँ काट के या फरवरी मार्च में या गेहूँ काट के, जी 15023 में थोड़ी सी लॉजिंग की समस्या थोड़ी सी ज्यादा आती जी है, जी बाकी हाँ, तो इसलिए जो लेट जितना थोड़ी सी रहेगी लेट बुआई रहेगी, रहेगी मतलब उतना बढ़िया गन्ना रहेगा। जितना भी खड़ा रह जाएगा उतना ही वो वेटेड गन्ना निकलेगा, वजन वजनदार बिल्कुल गन्ना निकलेगा, बिल्कुल गन्ना गिर के वो खराब हो जाता है, जी, जैसे तो उससे वेट में फर्क कि पड़ता है वेट ना, में गिर गया वेट भर गन्ना के तो फर्क पड़ता है। पड़ हालांकि जाता है, आप इसको फरवरी मार्च पीरियड में लेकर जाते तो इसकी उपज में कोई खास फर्क नहीं नहीं पड़ता, पड़ता क्योंकि गन्ना गन्ना खड़ा रहता है, ग्रोथ रेट ज्यादा ग्रोथ है, रेट ज्यादा तो अच्छी होती उसमें है, इसमें कोई वो नहीं है, ग्रोथ रेट 23 की काफी अच्छी है, तो काफी अच्छी इसलिए है। जितना लेट बुआई गन्ने करेंगे तभी गन्ने आपको आपके उत्पादन तीनों में फर्क बहुत मिलेगा। ही अच्छे उत्पादन देने के जी लिए, जी गन्ने बहुत अच्छे उत्पादन जी देते हैं। जी तो बिल्कुल है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है किसान भाइयों, अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि गन्ने से और खेती बाड़ी से संबंधित इसी प्रकार से नई नई जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों तक हम लाते रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए तो हमें आप हमें कमेंट करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों।